नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से पैर पसार रही है। बढ़ते जनाधार से उत्साहित पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह मंगलवार को जनपद में पहुंचकर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा के साथ ही दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई और संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि आप पार्टी उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली सरकार की तरह बिजली पानी तथा इलाज लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा तथा भ्रष्टाचार पर प्रभारी अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण साथी जो है पार्टी में शामिल हुए हैं, हम उनको शामिल कराने के लिए सुल्तानपुर में आए हैं और इसके बाद हम साथियों के साथ बैठक में करके जिला पंचायत के नामों को हम लोग डिस्कस करेंगे और जो बेहतर उम्मीदवार होगा पार्टी उसको उम्मीदवार बनाएगी। कितने वार्डों तक पहुंच गए हैं प्रत्याशी? सुल्तानपुर की सभी 45 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार हैं। 13 नामों पर अब तक जो है वो हम लोगों ने अंतिम रूप दिया है। कई गांव से हम आज भी कई जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले साथी शामिल हुए हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो मेरे पास 2 से 3 उम्मीदवार भी हैं। जिला स्तर पर उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में दिल्ली विधानसभा के एक विधायक साथी है, जिले के प्रभारी जी होंगे, जिला अध्यक्ष जी होंगे और एक सेंट्रल टीम से एक पर्यवेक्षक के तौर पर हर जिले में नियुक्ति की गई है। ये 4 लोग मिलकर हर जिले में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देंगे, फिर उसके बाद पार्टी उसका ऐलान करेगी। पंचायत राज नियमावली 2021 को लेकर काफी हो हल्ला है पार्टी का। हम लोगों के पास भी कई शिकायतें आई, हम मुरादाबाद से लेकर जो है शामली बिजनौर से भी कई शिकायतें आई। सरकारें जो भी होती हैं वो मनमानी करती हैं और आरक्षण को ठीक ढंग से होना चाहिए और पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों का जो है जो शिकायतकर्ता मेरे पास है उनका कहना है कि कई बार से लगातार हो रहा कि तो मेरा क्षेत्र जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता, तो चंद लोग हैं जो मैनेज करके अपनी सीटें बचा के रखते हैं। ये जो सरासर गलत है और नियम के तहत ही जो सबका रक्षण होना है। पंचायत चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा? पंचायत चुनाव में एजेंडा क्या रहेगा? पंचायत चुनाव में हमारे पास अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का एक विकास का मॉडल है। हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, दूसरे अन्य क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किया है, हम उस मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश के घर घर गांव गांव जाएंगे और हम ये बताएंगे कि आप हमको मौका दो। दिल्ली में हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, हम उत्तर प्रदेश में देंगे। हम ये बताएंगे कि दिल्ली में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन हम 2500 देते हैं, हम आपको सुविधा उत्तर प्रदेश देंगे। हम ये बताएंगे, अरे भैया आप आ नहीं रहे अभी, नुकसान बोले 50 यहाँ कार्यालय पर मौजा देते हैं। प्रेस वार्ता थी, प्रेस वार्ता थी भैया सभाजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी की। अरे भैया मैसेज सबको डाल दिए थे और जिसको कॉल भी नहीं कर, तो कुछ जगह पे कॉल कर पाए थे। जी जी, बड़ा नुकसान और बर्बाद किया है और वो मुद्दों की राजनीति थोड़ा जल्द ठीक, थोड़ा जल्द आ जाइएगा, थोड़ा हो सके तो आ जाए। पंचायत चुनाव कहाँ मेरे पास, जो आरक्षण का अधिकार मेरे पास कहाँ हुआ? हम तो जो अर्थशासन की सरकार है, उत्तर प्रदेश पिछली सरकार थी अभी आरोप लगे थे, मौजूदा सरकार है अभी आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग जो पंचायती राज व्यवस्था की उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से संवैधानिक तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया पूरा करें और चुनाव करावें। घरौनी को लेकर के पूरे प्रदेश में विवाद बढ़ता है, घरौनी को लेकर के पूरे प्रदेश में विवाद बढ़ता है। घरौनी जो आबादी की जमीनें हैं और लगातार उसको किसी न किसी के नाम किया जा रहा है, बची हुई जमीनों को सरकार आप के बदल इलाहाबाद में गया था कल, 20-30-40 सालों से वो मकान बना के रहे हैं, गली में जो लोगों के नक्शे भी पास है और बगैर नोटिस दिए उनके मकान गिराए जा रहे हैं। उनका जो कसूर खाली इतना है कि वो जमीन किसी के नाम पट्टा थी और उन्होंने उससे खाली मिला, इसलिए जो है वो लोगों के 30-40 साल पुराने मकान को गिराए जा रहे हैं। सरकार जुर्म और जाति की इंतहा कर रही है और
शासन के बल पर लोगों की आवाज को दबा के लेंगे, सपा चला रहे हैं। हम लोग इससे दबने वाले सरकार के फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।